बीएल उन जीवित मतदाताओं के काटे नाम, नाबालिग 11 वर्ष से 14 वर्ष के बनाए बोर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। फरीदपुर बरेली ग्राम पंचायत पदारथपुर के बीएलओ ने जीवित मतदाताओं के नाम काट दिए और 11 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के बोर्ड बना दिए। वहीं ग्रामीणों ने एडीओ फरीदपुर से की शिकायत। खबर तहसील फरीदपुर के ग्राम पंचायत पदारथपुर जिला बरेली से है। बीएलओ के द्वारा वोटर लिस्ट में वोटों को लेकर मामला सामने आया है, जिसमें बीएलओ ने लगभग 80 वोट लिस्ट से काट दिए हैं, जो कि मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 80 मतदाता जीवित हैं और 42 वोट ऐसे बना दिए जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत से की है, जिसकी जांच के लिए एडीओ पंचायत ने लिखा है। अब देखना यह है कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संवाददाता रियाज अली के साथ मैं विनेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। हर खबर आप तक। पदारथपुर में वोटों को लेके जो गड़बड़ मामला है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कहना है कि गांव के जो व्यक्ति हैं, अकबर खां, फिरोज खां, कौसर आदि जो गांव के व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि बीएलओ के द्वारा सही प्रकार से कार्य नहीं किया गया है। उसने एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में इन लोगों ने जो है एसडीएम उपजिलाधिकारी फरीदपुर साहब को उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया और अपने उसके साथ अन्य जाँच के कागज लगाए, जिसमें इन्होंने कहा कि उसने एक तरफ से कार्रवाई की है, जिसकी जाँच के लिए एसडीएम साहब ने हमें और सुपरवाइजर साहब को भेजा कि आप जाके जांच करके निष्पक्ष जांच करें। तो अभी तक आप किस आधार पर पहुंचे? अभी तो कोई आधार पर नहीं, अभी तो इन लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या है, इसके बाद हम निर्णय लेंगे। वहां जाके अपने उच्चाधिकार को बताया जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, अच्छा किया है क्या, खराब किया है, इसका फैसला यहाँ पे नहीं आ सकता। जांच में अभी नहीं कहा जाए, अभी जांच में क्या, अभी जांच चल रही है, अभी क्या कहा जा सकता है? मतलब ये तो सबूत मिले हैं कुछ आधार कार्ड? अभी कोई अभी किसी किस्म की अभी बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद जब जांच पूरी हो जाए तभी पता लगेगा, क्योंकि जांच लंबी जांच है, इसमें काफ़ी काम है, तो एक दिन में या एक घंटे में इसका निर्णय लेना ठीक नहीं है। ठीक हो। कहाँ रहते हैं आप? पदारथपुर। आपकी तहसील क्या लगती है? फरीदपुर। अच्छा, क्या समस्या है? हमारे यहाँ 80 वोट जो मौजूदा हैं जी, जो लोग करीब 3 बार प्रधानी या उसमें वोट डाल चुके हैं, उनके वोट काटे गए और उनको मृत घोषित कर दिया है। नाबालिग बच्चों के 42 वोट बनवा दिए हैं विपक्ष ने, बीएलओ कुमरपाल से मिल गए। अच्छा अच्छा। और जो लड़कियां शादी करके अपने अपने घर चली गई हैं, वो करीब 32 वोट कटने को थे विपक्ष के, वो नहीं कटे, ये कुमरपाल की देन रही है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कही की? जी, हमने शिकायत कई बार करी, आईडीएम साहब से भी करी थी और अधिकारियों से मिले थे, तो वो शिकायत का ही नतीजा है कि आज हमारे यहाँ जांच चल रही है। जांच चल रही है आपके? जी। कौन आया जांच के लिए? सुपरवाइजर जी। जांच के लिए कौन आया है? एडीओ पंचायत। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? नासिर। कहाँ रहते हैं? पदारथपुर। अच्छा, क्या मामला है बताओ? ये वोट कट गए, जो जीवित लोग हैं उनके वोट कट गए, जो मरे हुए हैं उनके ना कटे। अच्छा, इस टाइम प्रधान कौन थे? कौसर खान। नाजमा। नाजमा पति कौसर खान? ना, पति नहीं है, देवर। उनके देवर हैं। उनके देवर हैं वो, पति नहीं है। तो आपका वोट कट गया जी, मृतक में डाल दिया। हाँ। क्या नाम है आपका? शाहरुम खान। कहाँ रहते हैं? पदारथपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अरे, सब वोट काट दिए हमारे यहाँ पदारथपुर में। किसने काट दिए? सद्दीक ने। सद्दीक कौन है? प्रधान, पूर्व प्रधान था। अच्छा, उन्होंने कटवा दिए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितने लोगों के लगभग कटे होंगे? करीब 60 वोट कटवा दिए। 60 वोट कटवा दिए हैं। चलो, 80